नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। नए नए पेरेंट्स बने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अपने लिटिल प्रिंसेस का नाम रिवील कर दिया है। जी हाँ, आलिया और रणबीर ने 6 नवंबर को नन्ही परी का अपनी जिंदगी में स्वागत किया। तब से ही रणबीर आलिया अपनी बेटी के साथ पेरेंटहुड के इस नए सफर को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आलिया और रणबीर ने अपनी बेटी का बड़ा ही खूबसूरत नाम रखा है। आलिया ने अपनी बच्ची का नाम बताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। आलिया ने बताया कि उनकी बच्ची के लिए ये प्यारा सा नाम किसी और ने नहीं बल्कि उनकी दादी यानी नीतू कपूर ने रखा है। आलिया ने एक धुंधली सी तस्वीर शेयर की है जिसमें उनके और रणबीर के साथ उनकी प्यारी सी बिटिया भी है। बेटी रणबीर की गोद में नजर आ रही है जिसके सर पर पापा अपना हाथ फेरते हुए दिख रहे हैं। आलिया भट्ट ने अपनी पोस्ट में लिखा, हमारी बेटी का नाम राहा रखा गया है और ये नाम चुना है उसकी दादी ने जो बहुत ही अच्छी और समझदार है। इस नाम का अर्थ बहुत ही प्यारा है। राहा शुद्धता का प्रतीक है और इसका अर्थ है दिव्य पद। स्वाहिली भाषा में इसका मतलब है आनंद। संस्कृत में राहा का अर्थ गोत्र है। बांग्ला भाषा में इसका अर्थ आराम और राहत है। वहीं अरबी में इसका मतलब शांति और खुशी है। ये आजादी का भी प्रतीक है। हमारी बिटिया के नाम का पहला अक्षर हम सभी से जुड़ा हुआ है जिसे हम सब ने महसूस किया है। थैंक यू राहा, हमारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए और हमारे परिवार को नई जिंदगी देने के लिए। दोस्तों, राहा के पिता और दादा और परदादा सभी का नाम रा अक्षर से शुरू होता है। रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर और दादा राज कपूर की तरह ही आलिया और रणबीर की बेटी का नाम आर अक्षर से शुरू होता है। कुछ दिन पहले से ही इस बात पर चर्चा की गई थी कि रणबीर और आलिया की बच्ची का नाम रणबीर के पिता और अभिनेता ऋषि कपूर के नाम से कनेक्टेड होगा। अब राहा के नाम का खुलासा होने के साथ ही इस बात का भी पता चल गया है कि रणबीर और आलिया की बेटी का नाम रखते समय इन सभी बातों का काफी ध्यान रखा गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए भी काफी एंटरटेनिंग होंगे। लेकिन उसके लिए आपको जीवन कोश को सब्सक्राइब करना होगा।